इधर पानी का बहाव होता है और सुबह होते ही अपने अपने काम से कटाई हो चुका है, अगले खेत में नहीं हुआ है। कितना सुंदर चिड़ियों की आवाज़ तरह तरह सुनने को मिल रहा है। यही पेड़ में सारा चिड़िया है जो आवाज़ कर रही है। सुबह का समय है और धूप भी निकल चुका है, लेकिन नॉर्मल धूप है। मेरे पीछे जाम का पेड़ है, इसी जाम का पेड़ में चिड़िया है जो तरह तरह की आवाज़ निकाल रही है। यहाँ पर खेतों में धान कटा हुआ नहीं है, कुछ खेतों में कटा हुआ है और यहाँ पर नहीं कटा हुआ है, आगे तरफ कट चुका है। यहाँ पर भी धान का कटाई हो चुका है, अगले खेत में नहीं हुआ है। सुबह होते ही अपने अपने काम से निकल पड़े घर से। उधर धान का खेत है, धान का खेत तरफ से ही इधर पानी का बहाव होता है और बाद में नाला जैसा बन जाता है। देखिए यहाँ पानी को रोक के रखे हैं, पालतू जानवर को पिलाते हैं, यही रास्ता से चराने के लिए ले जाते हैं उधर खेत तरफ। उसके बाद घर लाते टाइम यहाँ पे पानी पिला के घर ले जाते हैं। खलियान में धान मिसने का काम कर रहे हैं और आजकल बहुत दिक्कत होता है। सुबह 4-5 बजे लाते हैं खलियान, ठंड भरी वातावरण में और काम करते हैं। आजकल गांव के लोगों को बहुत दिक्कत होता है सुबह में काम करना, आजकल ठंड भी बढ़ गया है, इसी चलते दिक्कत होता है। यहाँ भी खलियान है, यहाँ तो आज काम नहीं कर रहे हैं धान मिसने का। और यहाँ पर देखिए दो खलियान है, दोनों खलियान में काम कर रहे धान मिसने का, और पुआल को भी अलग कर दिए। ये लोग आज बहुत जल्दी लाए थे, करीब 4 बजे से ही काम करना चालू कर दिए थे, इसीलिए अभी पुआल से अलग कर दिए धान का दाना को। देखिए पालतू जानवर को घुमाने के बाद में दूसरे वीडियो में मैं दिखाया था पालतू जानवर को घुमाते हुए खलियान में, और आज देखिए पालतू जानवर का घुमा के कंप्लीट किए और पुआल को भी अलग कर दिए। कुछ छोटा वाला पुआल बचा है जो टूटा फूटा है वो, और उधर भी कंप्लीट कर दिए। दूसरे टोली का है और अपने खलियान में ले जा रहे हैं धान को लोडिंग करने के बाद में। इसी जगह धान रखे थे खेत से निकाल के, और देखिए किस तरह लोडिंग किए हैं। रोज की तरह आज भी मैं घूमने आया हूँ जहाँ पे हम लोग सब्जियों का फसल लगाए हैं वहाँ पे, और बहुत ही हरा भरा दिख रहा है और धूप भी मस्त निकल चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड भी धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे मटर लगाए हैं पूरा क्यारी में, और उधर बाद में रोपाई किया गया था इसीलिए पता नहीं चल रहा है, इधर कोड़ा हो गया है। अब वृद्धि के समय आ चुका है, और इधर आजकल देखिए जमीन से निकल रहा है, जनरेशन अच्छा है, लेकिन उधर भी इसी तरह का जनरेशन हुआ था, बहुत सुंदर जनरेशन है इस मटर का बीज में। इधर भी 5 पटिया लगा दिया गया है और सभी क्यारी में जनरेशन अच्छा हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 है।